वापस पड़ गया आवाज सुनी तो रक्षी वाला वापस पड़ गया कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह पर दिन दिहाड़े फायरिंग कर दी गई। हसनैन शाह दौरान ड्यूटी शहीद हो गए। वाकये का मुकदमा मकतूल की बेवा की मुदय्यत में थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल हैं। पुलिस की जानिब से CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की शनाख्त जारी है। शहीद हसनैन शाह की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अदा की जाएगी। मुल्क भर की सहाफती तंजीमें सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर सरापा एहतजाज। मुल्क भर में सहाफी बरादरी आज प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। सहाफी बरादरी का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब से जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो समेत दीगर का इजहार अफसोस। आपको एक बार फिर बताएं कि कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह पर दिन दिहाड़े फायरिंग कर दी गई। हसनैन शाह दौरान ड्यूटी शहीद हो गए। वाकये का मुकदमा मकतूल की बेवा की मुदय्यत में थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी के दफात भी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की शनाख्त जारी है। शहीद हसनैन शाह की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे लाहौर प्रेस क्लब के सामने अदा की जाएगी। मुल्क भर की सहाफती तंजीमें सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया फातमा शराजी और शदाब रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए।